हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रहा हूँ पत्ता गोभी का पकौड़ा। इसके लिए चावल पिसा हुआ, नारियल, बेसन, पत्ता गोभी, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ये सबको एक साथ मिक्स करके जब मैं इसको सान दूँगी, ये सबको एक साथ मिला के एकदम सॉफ्ट करके इसको मिलाऊंगी। गाइस, नारियल देख, आप लोग तो पत्ता गोभी का पकौड़ा खाए होंगे, लेकिन नारियल देख के आप लोग नहीं खाए होंगे। गाइस, आप लोग एक बार मेरे रेसिपी देख के भी आप लोग बनाइए, खा के बताइएगा कैसा टेस्टी बना, कैसा बना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गाइस, देखिए अब मैं थोड़ा थोड़ा लोइया बना के रिफाइन के ऊपर डालूँगी, तेल के ऊपर। गाइस, आप तेल से पकौड़ा छानिएगा, सरसों के तेल से, तब ज़्यादा टेस्टी लगेगा। कभी भी आप पकौड़ा छानिए तो तेल से ही छानिए, सरसों वाला तेल से, इससे पकौड़ा का जो खुशबू निकलता है ना, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा खुशबू निकलता है। देखिए गाइस, इसमें तेल भी बहुत कम लगता है, आप लोग ट्राई करके एक बार देखिए। गाइस, जैसे आप लोग पत्ता गोभी का खाली पकौड़ा बनाते हैं तो उसमें तेल बहुत ज़्यादा सोखता है, और इसमें क्या है ना, कम तेल में ही गाइस पकौड़ा अच्छा से तैल के निकलता है। देखिए गाइस, कितना कम मैं तेल डाली थी, उसी में मेरा पकौड़ा सान के निकल रहा है। देखिए गाइस, मेरा पकौड़ा कंप्लीट हो गया, अब मैं इसको निकालूंगी। ऐसे ही आप लोग भी ब्राउन कीजिएगा पकौड़ा का कलर, तभी निकालिएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा करके दे, ब्राउन नहीं हुआ, उसको मैं पलट के अच्छे से ब्राउन कर दूँगी। देखिए मेरा पकौड़ा रेडी हो चुका है। देखिए गाइस, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, इतना खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। गाइस, बाय बाय गाइस।